गुड मॉर्निंग, मैं शबाना, वेलकम टू माय टेरेस गार्डन। ये बोगनवेलिया का प्लांट है। ये दोनों प्लांट का वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये प्लांट है जिसको मैंने रिपोर्ट किया था, रूट प्रून करके जिसको रिपोर्ट किया था, ये वो प्लांट है। और ये वाला वो प्लांट है जो नर्सरी से नया बोगनवेलिया प्लांट लेकर आई थी मैं, और उसको मैंने रिपोर्ट किया था। तो ये दोनों प्लांट का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। जो फ्रेंड नहीं देखे हैं वो जाकर मेरे चैनल में इसको देख सकते हैं, मैंने किस तरह इसको रूट प्रून करके रिपोर्ट किया था प्लांट को, और ये नया प्लांट नर्सरी से ला कर कैसे लगाया जाता है। तो दोनों प्लांट आपके सामने आज मैं रखी हूँ और शेयर कर रही हूँ। जब से मैंने लगाया तब से लेके अब तक इसका ग्रोथ कितना है, तो जैसे कि आप देख सक रहे हो प्लांट का ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। ये रिपोर्टेड प्लांट है, रूट प्रून वाला प्लांट जिसको रूट प्रून किया था मैंने, उसका ग्रोथ आप देख सक रहे हो। यहाँ नीचे से होते हुए आप ऊपर तक देखिए, ओवरऑल प्लांट ग्रोथ प्लांट का अच्छा है। और ये वाला प्लांट है जो मैंने नया नर्सरी से ला के लगाया था, वो प्लांट है, इसका भी ग्रोथ आप देख सक रहे हो अच्छे से निकल कर आया है। तो दोनों प्लांट में अभी जो मैं फॉलो कर रही हूँ, मेरे पास और भी प्लांट है जैसे कि आप देख सक रहे हो, एक दो तीन, ये और एक मेरे, ये तीन मेरे पास बोगनवेलिया का प्लांट है। इन सबको मैंने ट्रिम कर दिया था, हार्ड प्रून किया था कुछ को, तो वो प्लांट और ये प्लांट अभी मैं सब में इक्वल केयर ले रही हूँ। मैं अभी किसी भी प्लांट में फ्लावरिंग नहीं ले रही हूँ, अभी मैं सिर्फ प्लांट को ग्रो कर रही हूँ और इसको बुशी बनाने का कोशिश कर रही हूँ, ताकि प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस आए, ज़्यादा से ज़्यादा लीफ आए, तो हमें आगे चलकर इसमें उतना ही ज़्यादा फ्लावरिंग मिलेगा। और एक प्लांट है मेरे पास, आप ये देख सकते हो मैंने कटिंग से ग्रो किया है, ये देखिए, ये सिंगल एक ये एक है जिसको मैंने कटिंग से ग्रो किया था, और बारिश में बहुत आसानी से ये ग्रो हो गया है। तो अभी मैं सब अपने सारे बोगनवेलिया प्लांट में एक ही प्रोसेस कर रही हूँ, और वो प्रोसेस है कि अपने प्लांट को मैं बुशी बना लेना चाहती हूँ। तो बुशी कैसे बनेगा प्लांट को, ये जो टिप्स आप देख रहे हो, इन सभी टिप्स को मैं पिंच कर रही हूँ। जैसे कि ये आ गया, यहाँ से यहाँ तक ब्रांच आ गया, तो ये ऊपर का जो ये है पोर्शन, इसको मैं यहाँ से टिप कर रही हूँ। तो टिप पिंचिंग से हमें ग्रोथ देखिए नीचे से कैसे निकल कर आता है। यहाँ से मैंने पिंच किया था, पिंच करने के बाद आप देख सकते हो, एक दो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, नीचे से आ रहा है, इधर से आ रहा है। तो जितने ब्रांचेस को मैंने पिंच किया है, सभी ब्रांचेस से ये न्यू शूट्स निकल के आ रहे हैं। तो जितना ज़्यादा पिंचिंग करेंगे उतना ज़्यादा ब्रांचेस आएंगे, न्यू शूट्स निकलेंगे, नोड्स खुलेंगे, नए शूट्स आने से ब्रांचेस ज़्यादा बनेंगे, और जितने ज़्यादा ब्रांचेस होंगे उतने ज़्यादा इसमें फ्लावर्स आएंगे। ये देखिए, मैंने ये प्लांट को यहाँ से हार्ड प्रून किया था, बहुत ही नीचे से मैंने इसको प्रून किया था। उसके बाद आप इसमें ब्रांचेस देख सक रहे हो, कितने सारे ब्रांचेस इसमें निकल कर आए हैं, काफ़ी ब्रांचेस, और सभी में मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेस कर रही हूँ, और वो है पिंचिंग। सिर्फ इसके टिप पिंचिंग को मैं अभी कंटिन्यू रख रही हूँ, मैं इसमें फ्लावर अभी नहीं लूँगी जब तक मैं अपने प्लांट को अपने मन चाहे जैसे मुझे चाहिए, मुझे जितना प्लांट को मुझे बुशी करना है, जब तक मेरे दिल को तसल्ली ना मिले कि हाँ मेरा प्लांट इतना बुशी हो गया है, अब मुझे फ्लावर लेना चाहिए, तब तक मैं ये पिंचिंग का प्रोसेस जारी रखूँगी। और हमें ये पिंचिंग कब करना चाहिए, पिंचिंग हमें तब करना चाहिए जब आप ये ब्रांच को देखो, ब्रांच
हमारा 3 से 4 इंच बड़ा हो जाए तो उसके बाद आप इसका ऊपर से ये ऐसे टिप पिंचिंग कर सकते हैं। हर एक ब्रांच को 3 से 4 इंच बड़ा होने दीजिए, उसके बाद फिर उसको पिंच कर दीजिए। ऐसे करने से हमारे प्लांट में जो टिप्स है वहाँ से न्यू शूट्स निकल कर आएंगे और साथ में नीचे से भी ये नया पुटाव इसमें निकल कर आएगा। तो प्लांट को बुशी बनाने के लिए हमें फर्टिलाइज़र भी वैसे ही यूज़ करना पड़ेगा, जो फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट को पत्तों से भर दें, जो बुशी बनाएगा प्लांट, यानी कि हमें पत्ते ज़्यादा चाहिए प्लांट में। तो फर्टिलाइज़र मैं जो यूज़ करूँगी वो होगा नाइट्रोजन प्लस फॉस्फरस। हमें नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र और फॉस्फरस बेस्ड फर्टिलाइज़र अभी प्लांट में देना है। तो ये दोनों फर्टिलाइज़र हमें मिल जाएगा डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फरस दोनों का ज़रूरत हमारे प्लांट को पूरा करेगा। साथ में मैं दूंगी मैग्नीशियम सल्फेट जो हमारे पत्ते को हरा भरा रखेगा और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को जारी रखेगा, अच्छा बनाए रखेगा। तो डीएपी मैं पॉट के साइज़ के हिसाब से दूंगी, यानी कि 6 इंच का पॉट है तो 6 दाने, 8 इंच का पॉट है तो 8 दाने, 10 इंच का पॉट है तो 10 दाने, इस तरह से डीएपी हमें देना है। और मैग्नीशियम सल्फेट साथ में 2 ग्राम पर वीक मैं ये फर्टिलाइज़र इसमें अप्लाई करूंगी। साथ में मैं स्प्रे फर्टिलाइज़र इसमें दूंगी, वो होगा कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे 10 दिन में एक बार, या फिर आप मैं डायरेक्ट सॉइल में भी 10 दिन एक बार दे सकते हैं। साथ में फंजीसाइड का स्प्रे करना है, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है, ये हमें वीकली शेड्यूल फॉलो करना है। तो फ्रेंड्स, अभी पूरे मॉनसून में यही स्टेप फॉलो करने वाली हूँ और विंटर में हम अपने प्लांट से अच्छे से जम कर फ्लावरिंग देंगे। जितने ज़्यादा हमारे प्लांट जूसी हो गए होंगे उतने ही ज़्यादा हमें उस वक्त उसमें फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।